फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मेथी से बहुत ही टेस्टी व बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। साथ में रेसिपी थोड़ी सी नई भी है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। मैंने 1/4 चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच लिया है रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच ओरिगेनो, किचन किंग मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा मैंने लिया है चीनी और थोड़ा सा ही नमक। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम साइड में रखेंगे। मैंने 1 कप लिया है गेहूं का आटा। इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी बेसन। बेसन से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही करारे बनेंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। 2 पिंच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, नमक 1/4 चम्मच, स्वाद अनुसार आप लें, अजवाइन और काला जीरा, इसको बहुत जगह मंगरेला भी बोलते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी दही, 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और साथ में मैं डालूंगी 1 से 1.5 कप के करीब मेथी का पत्ता, जिसे मैंने अच्छे से धो के डंठल तोड़ लिया है और इसे काट लिया है, फाइन चॉप किया हुआ है मैंने इसे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका टाइट डोर लगाएंगे। डो अब हमारा रेडी है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी देसी घी और इसे चिकना कर लूंगी और 5 मिनट में इसे रेस्ट दूंगी। डो को हमने टाइट इसलिए लगाया है क्योंकि जो मेथी है वो ताज़ा है तो मॉइस्चर छोड़ेगा, इसी वजह से उसको हमने टाइट डो लगाया है। और अब मैं इसे 5 मिनट रेस्ट दूंगी, उसके बाद पराठे बनाऊंगी मैं इसके। डो हमारा रेडी है और मैं इसे थोड़ा सा मसल लूंगी। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां लेंगे सकार की। आटा डस्ट करूंगी मैं इसमें। एकदम पतला हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा मैं इस पे घी लगाऊंगी। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं इसे या बटर में बनाएं, आपका इच्छा, जिस चीज में भी बनाएं। मसाला जो हमने बनाया था वो स्प्रिंकल करेंगे हम इस पे। इसे हम इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। इस पे भी मसाला थोड़ा सा डालेंगे। इस तरीके से हम तिकोना पराठा बनाएंगे। हमें बहुत मोटा नहीं रखना है और ना ही इसे बहुत पतला बेलना है। देखिए ये पराठा हमारा अब रेडी है। मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, इसकी थिकनेस देखिए। इसी प्रकार मैं सारे पराठों को बना लूंगी। पराठे के लिए मैंने तवा गरम किया है, इस पर मैं डालूंगी 1 पराठे को। इसको एक साइड से सीखने देंगे। फ्रेंड्स, आप ये जो मसाला है इसको इकट्ठे बना के भी 6 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता बिल्कुल भी। पराठा हमारा एक साइड से सीख गया है, इसे मैं पलट दूंगी। हम इस पर घी लगाएंगे। आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरे साइड में भी लगाएंगे हम इसे। इसे हम दबाते हुए सेक लेंगे हल्के हाथों से। इसे लटते पलटते हुए हमने सेक लिया है। इसी प्रकार मैं सारे पराठों को सेक लूंगी। फ्रेंड्स, हमारे तो पराठे बनके रेडी हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ या किसी भी सब्जी के साथ एंजॉय करें फ्रेंड्स। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी बनता है फ्रेंड्स ये। थैंक यू फ्रेंड्स।